हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। कौन था माइंस में, क्या रमिका के आगे सब है फेल? तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली रिलीज वीडियो में देखा कि कैसे रमिका सेन रॉकी से भी आगे चल रही है और वो रॉकी के आगे अनजान बनने का नाटक करती है, लेकिन रॉकी को लगता है जैसे कि वो खुद ही सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। वो रमिका सेन से मिलने के बाद माइंस जाता है और वहाँ पूरा सन्नाटा था। तो चलिए यहीं से शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि आगे कहानी में क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज KGF चैप्टर 3 के बारे में। तो दोस्तों, अब रॉकी अंदर जाता है तो देखता है कि एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसने अपनी कमर रॉकी की तरफ फेस कर रखी होती है और सामने से इतनी लाइट पड़ रही थी कि रॉकी कुछ भी देख नहीं पाता। और जैसे ही लाइट गायब होती है वो तब देखता है तो कोई भी कुर्सी पर नहीं होता। वो कुर्सी और टेबल के और नज़दीक जाता है तो वहाँ एक नोट उसे पड़ा मिलता है, खेल शुरू। वो ये पढ़कर हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये किसने लिखा है। वो और अंदर जाता है तो वहाँ उसका एक आदमी काम कर रहा था। रॉकी उससे कहता है, यहाँ कौन आया था? वो जवाब देता है, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, मैं तो तब से यही हूँ। रॉकी गुस्से में अपने हाथ में पड़ा वो कागज मोड़ कर फाड़ देता है। वो सोचता है कि आखिर अब ये नया दुश्मन कौन आ गया। उसे पूरा यकीन था कि रमिका सेन तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। वो जैसे ही माइन से बाहर निकलता है एकदम से उस पर कोई हमला कर देता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। रॉकी वापस डर के अपनी माइंस में चला जाता है और अब वो देखता है तो वहाँ कोई आदमी नहीं होता। रॉकी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो माइंस में ही पड़ी बंदूकें लेके जाता है ताकि हमलावरों का सामना कर सके, पर जब इस बार वो बाहर निकलता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि शायद ये सब उसके मन का वहम है। असल में रमिका सेन इस बार रॉकी के दिमाग के साथ खेल रही थी। इतना तो उसे पिछली लड़ाई में समझ आ गया था कि रॉकी को फिजिकली हराना बहुत मुश्किल है और इमोशनली उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ दिमाग का खेल ही उसे हरा सकता है। तो दोस्तों, क्या कामयाब हो पाएगी रमिका सेन? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।